दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ खांदावाड़ा जलप्रपात। खांदावाड़ा जलप्रपात मेरे उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा खूबसूरत। ये वाटरफॉल जब बाहुबली फिल्म आया था उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, और ये वाटरफॉल सच में बाहुबली वाला वाटरफॉल ही है। वो यहाँ से फुटेज लेकर गए थे और इसी का एनिमेशन बनाकर वो वाटरफॉल को बनाए थे। और आप नीचे जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जो बीच में पेड़ है, जो बाहुबली में जो बीच में पेड़ रहता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी पेड़ है। और इतना ऊंचा वाटरफॉल है, देखने से मतलब देखने के लिए भी आपको ऐसे सिर को ऊंचा करना पड़ेगा। आप वाटरफॉल को देखेंगे तो यहाँ पर 5 धाराओं में जल धाराएं बढ़ जाती हैं, जो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और छत्तीसगढ़ से हो भाई आप सभी, तो एक बार ज़रूर आपको यहाँ आना चाहिए। बट यहाँ जब भी आते हैं तो किसी गाइड को लेकर आएँ, अकेले ना आएँ। बीच में कई सारे घने जंगलों को पार करना पड़ता है, पगडंडी वाले रास्ते से आना पड़ता है, कई छोटे बड़े नदी नालों को क्रॉस करना पड़ता है। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो आप कभी भी घूम सकते हैं। यहाँ अबूझ माड़ है, यहाँ पर माड़ लोग रहते हैं, यहाँ पर माड़िया लोग रहते हैं, तो यहाँ पर माड़िया लैंग्वेज ही चलता है, जो बहुत कम ही लोग को आता है। अगर आप लोग यहाँ पर आ गए और घूम गए तो फिर निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो आप किसी लोकल गाइड के साथ या लोकल के साथ यहाँ पर आएँ, तभी आप अच्छे से इसको एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है, उस टाइम यहाँ पर भरपूर पानी रहता है, बारिश में भी बहुत ज़्यादा पानी रहता है, कमर कमर तक पानी रहता है। तो आपको यहाँ तक आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उस टाइम गाड़ी को उठा के भी आप आ सकते हैं। जो यहाँ के शिक्षक हैं, खांदावाड़ा के जो शिक्षक हैं, वो नदी में तैर कर आते हैं। तो दोस्तों, चित्रकूट और तीरथगढ़ के बाद ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल और सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल होना चाहिए। जिस तरह से प्रसिद्धि मिलना था इसको, ये उतना प्रसिद्धि नहीं मिल पाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, छत्तीसगढ़ के एक एक लोगों तक पहुँचाएँ, पूरे भारत के लोगों तक पहुँचाएँ, दुनिया में ये वाटरफॉल के बारे में पता चले। हम सोशल मीडिया और यूट्यूब में डालकर कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये आप लोग का कर्तव्य है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
कमेंट करके ज़रूर बताना। हम यहाँ पर मैगी बना रहे हैं और मैगी हो चुका है तैयार। आज हम हांडावाड़ा वाटरफॉल के सामने मैगी खाएंगे भाई। फाइनली हमें मिल चुका है मैगी। मैगी खाते हैं, टेस्ट किया हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हांडावाड़ा वाटरफॉल के सामने खा रहे हैं तो टेस्ट तो दुगना हो गया है। हांडावाड़ा जलप्रपात पूरी तरह से घूम लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और यहाँ तक के आने का सफ़र भी बहुत ज़्यादा रोमांचक था। दोस्तों आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल शुभम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, शुभम भाई के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम आ गए हैं हांडावाड़ा। ये हांडावाड़ा का हॉस्टल है और ये हॉस्टल अभी बंद हो चुका है, हॉस्टल पीछे बन चुका है। ये स्कूल था पहले और ये 1966 का स्कूल है। उस टाइम यहीं पर पढ़ाई होता था, यही हॉस्टल था और ये स्कूल था। यहाँ पर बहुत बड़ा बिल्डिंग था बट 2004 में इसे गिरा दिया गया। दोस्तों हांडावाड़ा आते हैं तो हांडावाड़ा आने के लिए सबसे पहले आपको दंतेवाड़ा से गीदम, गीदम से बारसूर, बारसूर से चेरपाल, चेरपाल से हांडावाड़ा नाम का गाँव आना होगा। ये गाँव के पास में ही एक बालक आश्रम स्कूल है, ये स्कूल है। इसी स्कूल में हम अभी लंच किए। यहाँ से आप हांडावाड़ा तक जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हांडावाड़ा जलप्रपात है और अपना गाड़ी जो है आप यहीं पर रख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं जो आसपास के गांव के हैं तो वो यहाँ पर पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे हैं। हेलो बोलो। हेलो, कौन सी क्लास में हो भाई आप? तीसरी में। ये बच्चे इतने इनोसेंट हैं। आपको बताना चाहता हूँ ये यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर गांव के हैं, मतलब ये 3 या 4 साल का होगा मुश्किल से। ये बच्चे जो है यहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं, छोटे बच्चे यहीं रहते हैं, देख सकते हैं। ये उनका हॉस्टल है और देखिए ये गिनती है, अल्फाबेट है। दोस्तों वाटरफॉल पूरी तरह से घूम लिए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दोस्तों अगर आप हांडावाड़ा जलप्रपात आना चाहते हैं तो आप शुभम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बारसूर में मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं तो एक अच्छा शूज़ लेकर आएँ तो ही आप अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। बहुत ही नॉर्मल ट्रैक है, कोई भी आसानी से यहाँ तक आ सकता है और यहाँ आने के बाद आप पिकनिक भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी जैसे ही हम आ रहे थे तो बहुत कचरा साफ भी किए, तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आते हैं तो भाई कचरा उचड़ा ना करें। खाना वाना का सामान भी लेकर आते हैं तो उसको लेकर चले जाएं, जहाँ डस्टबिन दिख रहा है वहीं पर फेंकें, क्योंकि जब दूसरे पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब होता है। तो भाई आप लोग का ज़िम्मेदारी है, हम लोग का ज़िम्मेदारी है इसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है, इसे पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत, पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच जो घूमने वाले हैं, जो ट्रैवलर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। अरे गजब यार।